देश में शाहरुख खान की पठान को लेकर लंबे समय से बवाल चल रहा है। जब से फिल्म का ट्रेलर और इसका गाना बेशर्म रंग रिलीज हुआ है, तभी से फिल्म के बायकॉट को लेकर बातें शुरू हो गई हैं। अब तो पठान रिलीज भी हो गई है और इसके बाद इसके बायकॉट ने और तेज हवा पकड़ ली है। लेकिन कुछ दिनों पहले जब सुनील शेट्टी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास इस बात को लेकर पहुंचे, तो हंगामा मच गया कि बॉलीवुड को अब योगी की मदद की जरूरत पड़ रही है। दरअसल सीएम योगी ने कहा है कि एक फिल्म निर्देशक को फिल्म बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसा कोई सीन ना दे जिससे विवाद पैदा हो। पठान में गाने के बायकॉट और हालिया विवाद के बारे में पूछे जाने पर सीएम योगी ने कहा कि फिल्म निर्देशक को फिल्म बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें ऐसे सीन नहीं होने चाहिए जो विवाद को जन्म दे या फिर जनता को ठेस पहुंचाए। यूपी के सीएम ने यह भी कहा कि राज्य में अब फिल्मों के लिए एक नीति है और कहा कि राज्य में और फिल्में बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कलाकार, साहित्यकार या उपलब्धियों वाले किसी भी इंसान का सम्मान किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने भी फिल्मों के लिए नीति बनाई है और राज्य में कई फिल्में बन रही है। हाल ही में सुनील शेट्टी ने मुंबई में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और बायकॉट के रुझानों के बीच ही बॉलीवुड विरोधी भावनाओं को रोकने के लिए उनसे मदद मांगी। पठान ने पिछले महीने बायकॉट कॉल्स को पछाड़ते हुए बम्पर ओपनिंग दर्ज की है और 10 दिनों में दुनिया भर में 729 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म के आने से पहले और इसके रिलीज होने के बाद भी राज्य में लोगों के एक वर्ग ने सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ की और फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए। ट्विटर पर बायकॉट का आह्वान किया गया और जाहिर तौर पर फिल्म के गानों में दीपिका पादुकोण के कपड़े और उनके कट और रंग को लेकर ट्विटर पर ट्रेंड भी किया गया था।